आसंतु खबर अभियान को आगे बढ़ावा। राजधानी में भसाणी बेले महिला उग्र रूप मूर्ति पाखक जाई खंडा और त्रिशूल छड़ाई बुलाइले महिला। रसुलगढ़ पूजा कमिटी भसाणी बेले देखापी मिलता एभली किसी दृश्य। बेस किसी समय धरी महिला जनक मूर्ति पाखे खंडा और त्रिशूल बुलाई हेले महिला बुझासुझा कर तौक ओह्ल पूजा कमिटी सदस्य। आप देखुं चित्र आसी रसुलगढ़ पूजा मंडप निकट में जितेबाद माँ को पूजा चली से समय हठात जड़े महिला त्रिशूल और माँ को खंडा धरी बुलाई पर कर्मकर्ता अर्थात आयोजक समस्ते पहुंची महिला जनक बुझाइवाई चेष्टा करते। राजधानी में भसाणी बेले ये हूँ एक दृश्य जो जड़े महिला भसाण शोभायात्रा चली हठात माँ को हाथ खंडा और त्रिशूल को छड़ाई आनी निजे बुलाई उग्र रूप देखा थे। यह स्वाभाविक भाव में समस्ते भयभीत होते कहीं क्यों परिस्थिति में महिला जनक एभली कले से कथा कहीं जाणी ना कि परवर्त समय आयोजक जी मैंने अच्छा कर्मकर्ता अच्छा से महिला खंडा और त्रिशूल को छड़ाई नहीं। अधिक सूचनापाई आम करस्पोंडेंट दीपक सामल आम सहित जोड़ते। दीपक कौन थी पूरा घटनाक्रम महिला जनक कहीं एभली कले? देखु गत काल चलता भसाणी चलता रसुलगढ़ दुर्गा पूजा कमिटी पक्ष भसाणी चलता ठीक यही समय जड़े महिला से मेढ़ उपरको चढ़ी जा माँ को मूर्ति माँ पाखु खंडा आनी निजे से खंडा बुलाई थे जहाँ को नहीं समस्ते ताजुब होते हठात महिला जनक किभरी गाड़ी उपरको चढ़ले और खंडा धरी खंडा बुलेवा को नहीं कौट ना कौटी एवं साधारण लोक मैंने आश्चर्य होगले हठात किभरी महिला गाड़ी गाड़ी उपरको चढ़ले हूं तो कि समय लोक मैंने भयभीत हो पड़े और प्राय 15-20 मिनट धरी महिला जनक एभली ढंग से खंडा को माँ को खंडा को से बुले परवर्त मुहूर्त में कमिटी पक्ष जो मैंने सदस्य से महिला को काबू करते महिला जनक कहीं कले जदि ताजाव स्पष्ट हो पारे और यह सबूर किसी भिडियो सामना को आसी महिला जनक जो भाई ढंग से माँ को खंडा धरी से गाड़ी उपर बुलेवा प्रश्न में सामिल हवा तो ताकू नहीं कौट ना कौटी लोक मन में कौट ना कौट से महिला जनक किए कहीं से गाड़ी को आसते केमी से उपरकू चढ़ले प्रश्न उठला कि परवर्त मुहूर्त जो कमिटर सदस्य मैंने संपुक्त महिला को काबू करते काबू करापर घटनास्थल पुलिस पहुंचला महिला कोलिस को हस्तांतर करते कि पर्यटन स्पष्ट होनी महिला जनक किए कहीं से भाई कांड भिजाइले। ओके दीपक अंपटे मंडप कर्मकर्ता कौन कहते संपर्क समस्ते नाच भितर माँ को मेलाण दे समस्ते मजबूत थे ठीक से ही समय एभली घटना सामना को आसला कहीं किसी बुझा आगु जो मैंने कर्मकर्ता से कहवा कथा आम किसी बुझा आगु महिला जनक हठात गाड़ी उपरको चढ़ीगले माँ को ठू से माँ को खंडा को नहीं आने बुलाई थे तेणु प्रथम बोलिए समस्त भाई हूं तो कौन महिला जनक पगल हिसाब पारती कि कौन मानसिक कितु परवर्त मुहूर्त जना पड़ा जो महिला जनक से ना से जो महोल था से महोल निजे से मेढ़ को चढ़ीगले परवर्त मुहूर्त में माँ को खंडा नहीं से गाड़ी उपरे खंडा को बुलाई तेणु जदि कहार कौन क्षयति होना कितु जो मैंने मंडप कर्मकर्ता से महिला को काबू करते कितु महिला जो मैंने अच्छा कर्मकर्ता अच्छा मंडप से कहवा कथा जो महिला को जानी ना कि महिला क्यों को आसे से कह से जाना पूर्व महिला को काबू करते। ओके बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपण को सूचना पाए। प्रकाश पाइला ओसीएस रिजल्ट, प्रकाश पाइला ओडिशा सिविल सर्विस रिजल्ट। ओडिशा सिविल सर्विस रिजल्ट 2020 प्रकाशित होती उत्तीर्ण होती मोट 392 जन परीक्षार्थी। प्रथम तीनि स्थान में अच्छा छात्री से भाई 392 परीक्षार्थी 148 जन छात्री अच्छा तेजस्विनी बेहरा होती ओएस टपर। शुभंकरी सुदेशना दास द्वितीय स्थान में थी बेले तृतीय स्थान में अनन्या सृष्टि शतपथी अच्छा ए संपर्क में ट्विट कर सूचना देखते ओपीएससी अध्यक्ष। बर्तमान बड़ खबर जहां सूचना आसी पहुंचुची प्रकाश पाई ओसीएस रिजल्ट
ओडिशा सिविल सर्विस रिजल्ट प्रकाशित होई सिविल सर्विस रिजल्ट 2020 प्रकाशित उत्तीर्ण होती मोट 392 परीक्षार्थी प्रथम तीनि स्थान अच्छा छात्री 392 परीक्षार्थी मध्यरु मोट 148 जन छात्री अच्छा अर्थात चलित वर्ष 392 परीक्षार्थी उत्तीर्ण होती ओसीएस परीक्षा फल प्रकाश पाई प्रथम तीनि स्थान अक्तिर कर 148 जन छात्री उत्तीर्ण होती अर्थात 392 मध्यरु 148 जन छात्री रही तेजस्विनी बेहरा होती ओएस टॉपर ए संपर्क में अधिक सूचना आम सहित जोड़ करस्पोंडेंट दीपक सामल क्षमा करेंगे आम स्पेशल करस्पोंडेंट नवेश कुमार महांती आम सहित जोड़ नवेश सूचना कौन अच्छी वर्तमान फलाफल नहीं देखो 2020 मसीहार जो परीक्षा बही ओएस परीक्षा ओडिशा सिविल सर्विस कमिशन यही परीक्षा को कंडक्ट कर जो परीक्षा की गत 19/9/2022 रु 30/9/2022 मध्य अनुषित होता तार परीक्षाफल एवं प्रकाश पाई एनेक ट्विट कर सूचना ओपीएससी अध्यक्ष डॉक्टर सरस्वती महांती ट्विटर हैंडल से गोटे रिजल्ट प्रकाश कर उल्लेख कर 392 जन जो रही कैंडिडेट छात्र छात्री से कृतकार्य होती जदि आम टॉप कर छात्र छात्री मान तालिका कथा कह ते प्रथम तीनोटी स्थान छात्री अच्छा प्रथम स्थान में तपस्विनी बेहरा अच्छा द्वितीय स्थान अच्छा शुभंकरी सुदेशना दास तृतीय स्थान में अनन्या सृष्टि शतपथी तीनोटी स्थान 1, 2, 3 महिला मान द्वारा ही कब्जा कराकि अन्य पुरुष मान अच्छा तेज यही कैंडिडेट मान को सुपारिश कर खूब शीघ्र राज्य सरकार गोटे नोटिफिकेशन जारी करेंगे और तालीम दिजापर एम राज्य सरकार जो रही विभिन्न विभाग से विभाग में कार्यरत होते हैं गोटे बहुत बड़ पदवी कह फिल करवा जा 392 अर्थात 400 ओएस पदवी जहाँकि खाली थी राज्य सरकार से पदवी में पूरण हो तेणु प्रशासनिक व्यवस्था टे आम कह टे स्पीड अफ हम व्यवस्था गुड़िक कारण जो जो जगार ओएस मान आवश्यकता था अधिकारी आवश्यकता था से सब आवश्यकता एवं पूरण होने कहीपर पाखापाखि 6 मास मध्य विभिन्न जगार तालीम पर चाकरी प्रदान राज्य सरकार करेंगे तेणु प्रशासनिक व्यवस्था आउे सुधार आसो ये जॉइनिंग आम कही विधिवत भाव में से सूचना मिल जाकर प्रमाणपत्र पाइबे से नहीं ओपीएससी पक्ष कह कि देखो ओपीएससी पक्ष स्पष्ट भाव उल्लेख करो रही ओपीएससी वेबसाइट से ओपीएससी वेबसाइट को जाकि स्वतंत्र भाव मिली लॉगिन पासवर्ड नंबर से पासवर्ड नंबर देकी कैंडिडेट जापारे कारण समस्त कैंडिडेट तथ्य तो ओपीएससी देदेला कि प्रति कैंडिडेट को कौन कौन मेसेज आ कैंडिडेट जनक जितेबाला लॉगिन पासवर्ड यूजर नेम दे से अकाउंट को जिबे से सविशेष सूचना मिली कि जहां अनुमान कर पाखापाखि 4 रु 6 मास मध्य तालीम कार्य शेष शेष चाकरी थैथान करा चाकरी प्रदान राज्य सरकार करेंगे तेणु वास्तविक गोटे बहुत बड़ कहे शून्य स्थान सृष्टि होता राज्य सरकार प्रशासनिक व्यवस्था ओपीएससी परीक्षा फल के बाहर से आशार अनेक छात्र छात्री थे और सरकार सरकार वैकेंट पोस्ट गुड़िक फिलअप होगा जाए सरकारी तंत्र एवं पूर्वपेक्षा बहुत मजबूत हो कारण पाखापाखि 400 जन ओएस अधिकारी एवं नुआ करी ओडिशा सरकार रे जोग देबाकु जाउछ ओके नवेश अन्यपटे जे रैंक 5 पाइचंती देवव्रत महाराणा आम सहित जोडुचंती देवव्रत बाबू आपनकु स्वागत करूछि प्रथमे तो अभिनंदन एवं अनेक अनेक शुभेच्छा ए खबर आपन केते बेले सुनिले धन्यवाद सर ए विषय रे मु ए गत 30 मिनिट तळे सुनथिली प्रथम प्रतिक्रिया कोन थिला आपनकर प्रथम अनुभव कि भली थिला वर्णना करिवे निश्चय भाव बहुत भल था आशा करी जे गत थर मु मो 38 रैंक थिला तो बर्तन ओडिशा रेवेन्यू सर्विस तो आशा थिला जे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आसीबो तो सेति पई चेष्टा करथिली तो निश्चय प्रतिक्रिया केबे आशा कर नथिले जे सिंगल डिजिट रे कोनो से रैंक आसीबो कहि के बिल्कुल केतन नंबर अटेम्प्ट थिला आपन कर एटा मा तृतीय अटेम्प्ट थिला जेमिति आपन कहउचोंति कि आपन तो राजस्व विभाग रे चाकरी करउचोंति हां ता सहित बा प्रिपरेशन हेबा एवं सफलता पाइबा ए तो उठे निश्चय बड़ संजोग कहा जीवो हां केमिति समय दउथिले आपन
आ पूर्वर मध्ये मु गोटे माने चाकरी थिली जोटा की गोटे सेंट्रल गवर्नमेंट रो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थिला एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो सेइति थिला आळ को ही मु प्रिपरेशन स्टार्ट करली तो जॉब सहित प्रिपरेशन टाइम केमती मैनेज करे पड़े ता विषय रे निश्चय भाबरे मु निजो को टिके फ्लेक्सिबल रखी थिली कि जो समय रे मते समय मिले मु सेइ विषय रे पढ़ी दिए आ जो कहिले कि एग्जाम पई पढ़िया रे छि तो प्रथम एग्जाम को पढ़िया को पड़े तो ए जिंसटा बहुत जरूरी थिला तो सही जिन सब सब देखे कि मो पाखे जो समय कम अच्छे मुझे केमी मानने कौ मैंने नुआ बाटर पढ़ीपरि कि इनोवेटिव वे देखिपरि ताकि कम समय जिन प्रस्तुति लक्ष्य आप रखी थे चाकरी पूर्व ना चाकरी कला परे परे लक्ष्य आसला आपखे नहीं निश्चय यहाँ चाकरी कला मत इच्छा होता जे मु माने मु प्रथम जो चाकरी गोटे करूली तो सही माने जनरली किसी भी आम पाखे सेमती कौन स्कोप नाला कि आम कौन जेहे गोटे एयरपोर्ट रिलेटेड काम थिला तो आम केवल मिडिल क्लास कि अपर मिडिल क्लास रिच क्लास को आम टार्गेट करूँ तो सही कौन पब्लिक सर्विस र माने सुजोग नथिला तो सेइतो कोटना कोटना से मन भितर गोटे जिनस आसला जे नाही गोटे माने एही सिविल सर्विस में प्रिपरेशन करबि आ सेइतो हम इच्छा आसला मन भितर गोटे माने इच्छा थिला करिया पई आ विश्वास भी थिला जे मु करबि दिने में भी हे जाई पारे से जिनसरा बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद देवव्रत बाबू एवं आम आशा करूँ आप जो नुआ दायित्व आगो को नेबापाई जाऊँ सुचारू रूप से संपादन करेंगे देश गठन में राज्य गठन में आपण को मध्य हाथ रहिबो ये तो गोटे सौभाग्यर कथा बहुत बहुत धन्यवाद एवं पुणी थरे आपण को अनेक अनेक शुभेच्छा आसिब कम रहिबो प्रभाव एथर शीत विलंब से आसिब बोली पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग कारण एजाए मौसुमी सक्रिय रही प्रभाव में वर्षा मध्य जारी रही सेपटे पछक पछ आसुछि लघुचाप एपरिक डिसेंबर जाए वर्षा रही बोली कहते पाणीपाग विज्ञानी से कहते वर्षा हेले शीत विलंब हो पारे दिनर तापमात्रा कमिबो किंतु रातिर तापमात्रा स्वाभाविक ठारु अधिक रहिबो जहाद्वारा कम थंडा अनुभूत हेबो तमिलनाडु आंध्र उपकूल में आसंता 9 तारिख में आउ एक घूर्णीबल सृष्टि हेबो प्रभाव में 9 एवं 10 तारिख में दक्षिण ओडिशा रे हेबो प्रबल वर्षा एने पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु सूचना दिया जाइछि ए वर्ष कम रहिबो शीतर प्रभाव रातिर तापमात्रा स्वाभाविक ठारु अधिक रहिबो जहाफल थंडार प्रकोप मध्य कमिबो साधारणत आम देखे कि दशहरा परे परे राज्य में शीत आरंभ होता है किंतु चलित बर्ष से शीतर वर्तमान सुधा आम अनुभव करना एवं अंपटे पाणीपाग विशेषज्ञों कहवा कथा ए वर्ष हूँ तो एत बड़ शीत हो नपे बेसी परिमाण में शीत हो नपे वर्तमान समय पाणीपाग मॉडल कौन कौन आगामी समय वर्षार परिमाण कौन तमाम शीतर स्थिति कौन रहीपे संपर्क में विस्तृत सूचना पाई आम सीनियर करस्पोंडेंट निरुपमा बेहरा आम सहित जोड़ुंट निरुपमा अक्टोबर मस साधारण अनेक आशंका थाए बात्या आशंका थाए यह सबू भितर लघुचाप बा पूरा सूचना कौन अच्छी बा मॉडल कौन कौन विशेषज्ञ कौन कौन एवं शीतर आगमन केबेठू होई पारे निश्चित भाव जो कथा कहले जे अक्टोबर मासरे अनेक गुड़िए चिंता थाए पाणीपाग को नहीं से भितर बात्या आउ गोटे चिंता बढ़ाई थाए कि आम जदि देखा वर्तमान सुधा मध्य मौसुमी फेरवा नहीं राज्य कौन सूचना मिली ना कारण गोटे पर गोटे घूर्णीबलय सक्रिय रखी मौसुमी राज्य उपर जार प्रभाव में राज्य में वर्षा लगी रही बेले आसंता 9 तारिख में बंगोपसगर में आउ एक घूर्णीबलय सृष्टि होगा नहीं स्पष्ट करणिपाग विभाग और तार प्रभाव में 9 और 10 दुई दिन धरी उपकूल और दक्षिण ओडिशा रे प्रबल वर्षा हवा नहीं किसी जिला को येलो अलर्ट जारी करा जाई तेज 12 तारीख पर्यंत यही वर्षा लगी रही एक प्रकार स्पष्ट करी एणु जो मौसुमी वर्तमान राज्य में सक्रिय रही जहां पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर कह तेज केवल अक्टोबर मस में स्वाभाविक ठारू अधिक वर्षा होणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर जदिव स्पष्ट करु राज्य में चलित बर्ष डिसेंबर पर्यंत वर्षा लगी रोसी ना कौन सिस्टम फर्मेसन हो तार प्रभाव में वर्षा रणिपाग विज्ञान केन्द्र पूर्व सूचना दे सारी तेज जिते वर्षा लगी रही तेज निश्चिंत पक्षे वर्तमान आम जब देखा दक्षिण पूर्व दिगर जो पूर्वा वायु आसुची ता बंगोपसगर जलय बाष्प नहीं आसुवर अधिक वर्षा करायबार सहायक एवं होते पूर्व दिगर वायु आसुची उत्तर दिगर पवन आसी पारना और जपर्यंत उत्तरा पवन राज्य को प्रवेश करना रातिर तापम्रा ह्रास पाइबना शीत अनुभूत होबना कहुई तेज डिसेंबर मस पर्यंत यह स्थिति जारी रपर्यंत उत्तरा पवन राज्य को प्रवेश करना तापम्रा ह्रास पाइबना कि शीत अनुभूत कहते नवेम्बर डिसेंबर जाए वर्षा हे अर्थात जदि भी तापर शीत हुए केवल जानुरी कि फेब्रुआरी अधा जाए बहुत कम दिन शीत अनुभव करके
निश्चित भाव साधारण तो आम देखा राज्य में आमर नवेम्बर मसरे अल्प शीत अनुभूत होगा डिसेंबर जनवरी और फेब्रुआरी अधा पर्यंत आम जदि कह फेब्रुआरी दस किंवा पंद्रह पर्यंत भल शीत राज्य में अनुभूत हुए कि जितेबाला चलित बर्ष डिसेंबर मस पर्यंत वर्षा र बंगोपसगर जलवायु प्रवेश कर राज्य को उत्तरा पवन एतटा आसीपार ना उत्तरा पवन में बाधक साजिब तेणु उत्तरा पवन जपर्यंत प्रवेश करना राज्य भितर को तापमात्रा ह्रास पावना कि शीत से अनुभूत होबना आम जदि कह जानुरी और फेब्रुआरी गोटे मस कि खूब अल्प दिन चलित बर्ष शीत अनुभूत होबोली जहां वर्तमान ठार आकलन करवर्त समय पापाग कौन कौन मडेल मडेल जहां इंडिकेट कर दर्शाऊ से अनुसार आप सूचना दौंत विशेषज्ञ कहते हैं परवर्त समय हूं तो ये परिवर्तन हो पाए बहुत बहुत धन्यवाद निरुपमा। ब्रह्मपुर देशीबेहरा साहि प्रेमिक घर आगे 66 दिन धरी धारण में बसी दीपिका और प्रेमिक दिनेश को परिवार मध्यरे विवाद थमुना दिनेश को घर गेट दीपिका बंद कराई देना घर आगे चली पार्टी तुंड थाना फेरवा पर पुणी आरंभ होवाद उत्तेजनामूलक परिस्थिति लागि रहिछि। गतकाली अपराह्नरे उभय दीपिका और दिनेश को परिवार सदस्यों मध्यरे पार्टी तुंड और उत्तेजना सृष्टि होता दीपिका अभियोग क्रमे आज पुलिस पहुंची घटनार तदंत करिछि। सेपटे दिनेश को बापा माँ मध्य दीपिका तांक घरे अनाधिकार भाव में ताला पकाइथिबा नै अभियोग आनी थानार द्वारस्थ होइथिले। एभली स्थित में गतकाली अपराह्नरे द्विपक्ष मध्यरे घटिथिबा पार्टी तुंड और ठेलापेला हेबार भिजुआल मध्य सामनाकु आसिछि। गत गणेश पूजा थारु दिनेश को परिवार लोके केउ आडे चली जाइथिले गतकाली देसी बेहरा स्थित घर को दिनेश को परिवार लोके आसिबा परे आरंभ होइथिला उत्तेजनामूलक परिस्थिति। दिनेश को घरे ताला पड़ा बेले भांगी थिले दिनेश को परिवार लोके ताला भांगी घरे पसिबा समय दीपिका और दिनेश को परिवार लोकों मध्यरे दीर्घ समय धरी पार्टी तुंड होइथिला। दीपिका बाहर पटु आउ एक ताला पकाइथिबा नै दिनेश को परिवार लोके अभियोग करुथिबा बेले दीपिका कहिछंती दिनेश को परिवार लोके ही प्रथमे ताला पकाई पुणी ताला को भांगी नाटक करुछंती। तबे दीर्घ दिन हला के दीपिका जो धारण में बसी अर्थात ब्रह्मपुर देशीबेहरा साहि और दिनेश को घर सामना से जगह को आम आपको पुणी थे नहीं जाऊँ जो उपस्थित अच्छा आम प्रतिनिधि कैलाश बेहरा। कैलाश वर्तमान चित्र कौन प्रकार आलोचना माध्यम से समाधान है कि घर भितर को दिनेश को परिवार लोके गले कि देखो निहत विभू जदि कह पूर्व जो भाई बड़बड़ थाना से डक जाता परवर्त समय बड़बड़ थाना द्वारा जहाँकि पहुंची थे दिनेशंकर बापा और माँ और परवर्त समय जिते बड़े घर को आसिले दिनेशर बापा माँ कि से एक पुणी थे उत्तेजना परिस्थित सृष्टि है गोटे पटे दीपिका बाहर रे अंपटे दिनेश पर लोक भितर रे जहाँकि छड़ा जावा नहीं अभियोग होते छाड़ ना बोली घर को से पुणी थे घर बाहरी कड़े पलिंट तेज निहत आलोचना करवा कौन कह दीपिका तुम उपर अभोग पर अभोग घर को जातायात असुविधा सम्मुखीन कर गोटे पटे पीस जो थी शांति आपसे शांति रखा किए कौन आज्ञा रखुं ना मु क्वेश्चन करा चाहूँगी मत जो कहते रखिंट एपर्तंत कौन करते आपड़ देखु थे कि मु पीस मेंटेन करी करी चलिली जिते मोर मेंटल कंडीशन देखूँ दुईमास अधे दुईमास पांच छः दिन है आज को तो मुते मेंटल को मानने माइंड को कते मु स्ट्रंग करके रही कते मु मेंटल प्रेसर को एता करी हैंडल करके रही जेहेतु आप देखु बारंबार आसिकी भंगा उतरा कर चिड़ी दौरान मोर तो फाइनेंशियली मु बहुत स्ट्रेस था अलग भी प्रॉब्लम था सब प्रकार टेंशन एडी गियर करके बस आपड़ देखुए फिर भी मत मेन्सली हरास कर बहुत मेंटली ट्राई कर हरास घर ताला पकाव दे बाहर पलि आसे दिनेश बापा और माँ घर आज ताला पकाव दे दिनेश बापा और माँ तुम कुआ पलि ओहो कि संपत्ति आज्ञा मत जाइए गोटे गोटे संपत्ति मत जगह कागज ना सुना ना कौन दे कबाटा खोली तो कैमरा तीन टा अच्छी आप देखु थे एक दुई एकानी तीन तीन टा कैमरा आ पुलिस समस्ते अच्छा मत जीवार थी तो केवड़ जा ताला भांगी भी पची जाता जेहतु बाहर कौटी थे बट मु तो किसी इलिगेल कम करनी तो जेहेतु सी इलिगेल कम करूँ गोटे हरासमेंट करूँ बट मु कौन प्रकार इलिगेल कम कर ना मु मो हस्बैंड को वेट कर आसिले कमी तार पिलार बापार परिचय दौ मत से सिंदूर
हक दरकार भी नहीं है मुझे चाहूँ कमी मोर जो छुआ अच्छी से कमी स्कूल जीव तार बापार परिचय दो आजा कोर्टे छिड़ब आ गोटे कथ कह जिते पर्यटन कोर्टे छिड़नी आज्ञा से पर्यटन से कौटी बाहर से जिनसा लिखित आकार कोर्ट रू नहीं आसू जिते पर्यटन आज्ञा बापार परिचय देना से पर्यटन बस आपड़ देखुए मो सैड में बस थी पीस मेन्टेन कर जाऊते आसुले सब प्रकार जिन चलता कहीं मत मानते एत मेन्टाल कहीं टर्चर कले कि बाध्य हैली देखता पुलिस आसला भांगे घर को गले जो बंड सिग्नेचर कले से कहले ए पाल बांधिया हेनी मो दुआर बहिया हेनी कहले जो आईएससी सार पाक जाते आईएससी सार कौन कहले कि मत कहले पिंडारू हटे दि अलग समान स्थिति एवं दीपिका निज जिद्रे अड़ी बसी कौन प्रकार समाधान रास्ता वर्तमान सुधा देखा जाऊना धन्यवाद कैलाश आप सूचना। उन्नीस बासठ क्यूबा मिजाइल विपद और परमाणु प्रयोग को नहीं उत्तेजना घटना पर वर्तमान सबुठ बड़ परमाणु संकटर सामना करुच्ची पृथ्वी यह अन्य कहीं नुहे कहते निजे आमेरिका राष्ट्रपति जो बिडेन रूसिया द्वारा अधिकृत अंचल को यूक्रेन पुनः दखल लगी जोरदार उद्यम चल प्रतिहत करने रूसिया आणविक अस्त्र प्रयोग करपे आशंका कर तेज स्थित ने अधिक आलोचना करवा डॉक्टर प्रशांत साहू वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ आम सहित जोड़ डॉक्टर साहू आपको स्वागत करुच्ची बिडेन को आशंका को आप कमी देखुं एते दृढ़तार सहित तो कहीं आशंका करुं बिडेन नहीं देखो कथा है जो यूक्रेनियन ऑफेंसिव जोटा कहले जो चार्ट एरिया डोनबास रीजन खेरसन जापरजिया को रिगेन करने जो यूक्रेन चेष्टा कर तो डेफिनेटली रशिया तो काउंटर ऑफेंसिव एक्शन डेफिनेटली नब किंतु एट द सेम टाइम मत लगुच एट दिस पॉइंट इन टाइम जो बाइडेन करो जो स्टेटमेंट आस स्टेटमेंट डेफिनेटली पुटिन करो जो डोमेस्टिक यू नो पॉलिटिक्स रे जहाँ प्रॉब्लम अच्छी बा जो पार्शियल मोबिलाइजेशन स्टार्ट कला परे तांकर जो किछ लोक मस्को छाड़ी पड़े चेस्टा कर इत्यादि इत्यादि आज आम देखुले किसी लोक जर्जिया बॉर्डर रे छाई टुलिप सब इन रसा तो से गुडा को आहुरी एक्सेलरेट करने पुटिन मत को सही दृष्टि देखा जा पार प्लस सॉरी बाइडेन मत को प्लस पुटिन को डेमोनाइज करने रसिया को डेमोनाइज करने रसिया गोटे इरेस्पन्सिबल यू नो नेशनल पावर बोलिकी बारंबार प्रूव करने नाटो मेंबर कंट्रीज मानक भितर आउ थे यूनिटी सॉलिडारिटी आने कहीं आम देखुं यूरोप रे जो एनर्जी क्राइसिस नहीं कि नाटो मेंबर्स कंट्रीज मानक भितर डेफिनेटली किसी ना किसी यू नो न्यू थिंकिंग चली सब कथ को आखिग रखिले यू नो बाइडेन कर यू नो जो न्यूक्लियर आर्मागेडन जो भय जोटा से देखा बा जोटा पुटिन कर थ्रेट को रियल बोली कहवाक चाहते यू सही कंटेस्ट देखा जा पार किंतु एट द सेम टाइम अमेरिका हैज टू अल्सो प्रूव दैट से माने गोटे रेस्पन्सिबल वर्ल्ड पावर बा वर्ल्ड सुपर पावर बोली बर्तमान कथा हूँ कि पूरा एंटायर एपिसोड को रोकवाई जिते डैमेज लास्ट फ्यू मंथ भितर है कंट्रोल करने अमेरिका कौन कर खास कर जो बाइडेन एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द यू नो सुपर पावर कंट्री दैट इज अमेरिका तार हेड हिसाब से नाटोर लीडिंग मिलिटरी फोर्स हिसाब से बाइडेन कर भूमिका कौन तेणु आम देखु जे अमेरिका रे वेस्टर्न यूरोप आर्म्स लबी एनर्जी लबी काम करुची यूक्रेन हैज बिकम अ न्यू यू नो ग्राउंड फॉर टेस्टिंग बिल्कुल ए सब स्थित तो स्वाभाविक भाव में बिडेन को आशंका बढ़ुची और विश्वपाई परमाणु युद्ध बा गोटे भल कथा नुहे आम आशा करवा आपोस आलोचना जेकोसी मध्यम यार केमी समाधान हो जाऊ बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहू।